और बात करते हैं निवेश के महाकुंभ की। योगी सरकार की ओर से आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के एफडीआई कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। दोपहर 3 बजे आयोजित एआई कॉन्क्लेव में भी सीएम योगी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज उसके दूसरे दिन एफडीआई कॉन्क्लेव में शामिल हैं। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ मौजूद हैं। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आपको नजर आ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर चौधरी और इस वक्त आप देखिए एफडीआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग श्री पीयूष गोयल जी विराजमान है। मे आई रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज शेयर योर इनवैल्यूएबल व्यूज अबाउट जीबीसी 4.0। तालियों के साथ स्वागत करें भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का। हम सबके प्रिय उत्तर प्रदेश के कर्मठ निर्णायक और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित, मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री जसवंत सैनी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मनोज कुमार सिंह जी, मंच और मंच के नीचे विराजमान सभी उद्योग जगत के महानुभाव, ऑल द डिस्टिंग्विश्ड कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी युवा शक्ति और हमारी नारी शक्ति, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज वास्तव में लखनऊ आने का आनंद कुछ और ही है। लखनऊ जिस प्रकार से विश्व में प्रसिद्ध है अपने मेहमान नवाजी के लिए, अदा के लिए, और यहाँ के प्रोडक्ट्स भी चाहे वो चिकनकारी हो, अलग अलग प्रकार से लखनऊ पूरे देश की शान के रूप में हमने वर्षों से देखा, लेकिन आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बातचीत कर रहा है। जिस प्रकार से तेज गति से उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेज गति से बदलाव देखा है, बदलाव महसूस किया है, बदलाव का आनंद लिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है। और प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के जीवन को पूरी तरीके से बदलाव, पूरी तरीके से नए उत्साह, नए उमंग, नए तेज के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक पड़ाव के रूप में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने गत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, उत्तर प्रदेश की दिशा बदली, उत्तर प्रदेश की दशा भी बदली।
आज वास्तव में सोशल जस्टिस डे है, सामाजिक न्याय दिवस है, और सामाजिक न्याय तब तक अधूरी रहती है जब तक समाज के हर वर्ग को, समाज के हर व्यक्ति तक विकास ना पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8 वर्षों में तो कायाकल्प किया ही है उत्तर प्रदेश का, पर ये जो 1 वर्ष उपलब्धियों भरा वर्ष रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2022 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई थी, जहां 35 लाख करोड़ के निवेश का प्रतिबद्धता संकल्प देश और विदेश के उद्योग ने लिया, वहां से शुरू हुआ गाथा अलग अलग पड़ाव 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम को अपने निवास स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना, और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10,24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की एक साथ की, दिस विल बी द मोस्ट इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। मित्रों, कोई भी निवेशक, कोई भी उद्योजक जब निवेश करने का निर्णय लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा जो विषय रहता है वो होता है विश्वास, ट्रस्ट। द डिसीजन टू इन्वेस्ट, द डिसीजन टू सेट अप फैक्ट्रीज, सर्विस सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज मेड व्हेन यू ट्रस्ट दैट द बिजनेस क्लाइमेट इज कंड्यूसिव, व्हेन यू ट्रस्ट दैट द लीडरशिप इज डिसाइसिव, लीडरशिप इज ऑनेस्ट, लीडरशिप इज कमिटेड टू एंश्योरिंग अ वेलकम फॉर इन्वेस्टर्स। व्हेन द सिस्टम्स आर गुड, गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट्स एंड देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ इन्वेस्टर्स। निवेशक तभी आता है जब उसको विश्वास हो नेतृत्व पर, विश्वास हो व्यवस्था पर, विश्वास हो भविष्य पर। और मैं समझता हूं जब ये तीनों विश्वास निवेशक को मिलते हैं और जब वो प्रदेश में आने के लिए तैयार होते हैं तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रदेश के 25 करोड़ भाई बहनों को भी आत्मविश्वास मिलता है कि हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भी भविष्य अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश एक दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर आत्मविश्वास से भरा हुआ 140 करोड़ लोग निकल पड़े हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ योगदान दे रहा है, अपने कर्तव्य भावनाओं को निभा रहा है, जिस प्रकार से आज सुशासन प्रदेश में देखने को, अनुभव करने को मिलता है, और जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन बनकर